Hello everyone, welcome to my channel. This is Priya Bhargav. Today I'm going to explain you VAIS, that is Wechsler Adult Performance Intelligence Scale. ये इंटेलिजेंस मेजर का जो आपका सेक्शन था उसमें दो टेस्ट थे, एक रेवेंस वाला था और एक ये वाला है. सो मैं सेपरेट वीडियो में बना रही हूँ क्योंकि वो बहुत बड़ा हो जाता वीडियो. नाउ इफ़ यू विल लुक एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ द टेस्ट, इसमें आप देखेंगे कि पहली बार जब ये पब्लिश हुआ था 1939 में पब्लिश हुआ था और ये बहुत सारी कंट्रीज में इसको अडेप्ट किया गया है, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, जापान यहाँ पे. एंड फिर इंडियन कंडीशंस और जो भी इंडियन नॉर्म्स है, जो एक नॉर्मल पॉपुलेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके बेसिस पे फिर एक और टेस्ट बनाया गया जिसे वेचेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल के नाम से जाना जाता है इंडियंस के लिए. सो ये जो स्केल है इसमें 7 सब टेस्ट्स आएंगे, जिसमें किस किस को टेस्ट कर रहे हैं हम, क्या चीज़ टेस्ट कर रहे हैं: इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रीहेंशन, अरिथमेटिक्स, सिमिलैरिटीज, डिजिट स्पैन, वोकैबुलरी, डिजिट सिंबल, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर अरेंजमेंट एंड पिक्चर असेंबली. ये वाले 11 आस्पेक्ट्स जो हैं उनको हम टेस्ट करते हैं. इनमें से जो फर्स्ट 6 हैं वो वर्बल स्केल माना जाता है और बाकी के जो बचे हुए 5 फॉर्म्स हैं वो परफॉर्मेंस स्केल के अंदर आते हैं. सो पीछे के जो आप लास्ट के 5 देखेंगे, ऑब्जेक्ट असेंबली, पिक्चर अरेंजमेंट, ब्लॉक डिज़ाइन, पिक्चर कंप्लीशन, डिजिट सिंबल, ये सारे परफॉर्मेंस के ऊपर आएंगे क्योंकि ये लास्ट के 5 हैं. और इसी के ऊपर ही वेचेस्लर एडल्ट इंटेलिजेंस स्केल को आज हम समझने वाले हैं. ये जो पीछे के 5 हैं यानी कि परफॉर्मेंस स्केल को हम समझेंगे. 14 मेजर लैंग्वेजेस जो इंडिया की हैं उनमें ये डेवलप किया गया है. इफ़ यू विल लुक एट दिस मैनुअल, ये मैनुअल में बहुत डिटेल दिया हुआ है कैसे ये डेवलप की गई थी, इसमें मेथोडोलॉजी कौन सी लगी थी, है ना, और इसमें सैंपल्स कैसे लिए गए थे. तो इसमें जो एज ग्रुप लिया गया था इसका, जो मैनुअल बनाने के लिए और जो पूरा स्केल बनाने के लिए, वो 15 ईयर्स से लेकर 45 ईयर्स की एज के बीच के लोगों के ऊपर किया गया था. और ये पूरा टेबल में इनमें बताया है कि एडुकेशन को भी इन्होंने कंसीडर किया, जेंडर को भी इन्होंने कंसीडर किया, ऑक्यूपेशन को कंसीडर किया जब ये स्केल बना रहे थे. और आगे इन्होंने ये टेबल्स भी बनाई है कि कौन कौन से एजुकेशन लेवल के लोगों को लिया है और कितने कितने लोग लिए थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल बताई है, जो हमारे काम की नहीं है क्योंकि हम मेजरली इसको कैसे यूज़ करते हैं स्केल को, वो हम सीखना चाहेंगे. ये जो टेबल है ये हमारे काम की है क्योंकि ये हर एक जो 5 टाइप का टेस्ट है उसमें कितने कितने नंबर आने चाहिए वो बताया है और उनका स्केल्ड स्कोर क्या बनेगा वो भी हमें बताया है. ये तो वो है जो रिकॉर्ड कर देगा एडमिनिस्ट्रेटर जब हम टेस्ट देंगे. एग्जामिनर कह, हम अपने आप को एग्जामिनर कहेंगे और जो दे रहा है वो एग्जामिनी है या फिर सब्जेक्ट है. तो सब्जेक्ट को जब आप टेस्ट दोगे तो वो कितने टाइम पे पूरा कर रहा है, एंड ये सारे बहुत सारे जो कंडीशंस इन्होंने दिए वो मैं एक्सप्लेन करूँगी आगे, उसके बेसिस पे आप उसकी स्कोरिंग करेंगे. तो जो जैसे पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट है तो पीसी का, यहाँ पे नीचे लिखा भी है इसका फुल फॉर्म, पीसी का पिक्चर कंप्लीशन है, पीए का पिक्चर अरेंजमेंट है, DYSY का मतलब डिजिट सिंबल, इस तरह से. तो उनमें जितने जितने उनके स्केल आएंगे, मार्क्स आएंगे, उसके बेसिस पे फिर एक स्केल्ड स्कोर निकाला जाता है और स्केल्ड स्कोर को यूज़ करके हम इंटेलिजेंस IQ पता लगा लेते हैं उस पर्सन का कितना है. यहाँ पे डिटेल में देखें तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि सही जगह पे आपको बिठाना है अपने सब्जेक्ट को जिसके ऊपर आप टेस्ट करना चाहते हैं. आपके पास पूरे मटेरियल होने चाहिए प्रॉपर, आपके पास स्टॉप वॉच होनी चाहिए, एडिक्वेट टाइम होना चाहिए जो सब्जेक्ट है उसके पास भी और जो टेस्ट ले रहा है उसके पास भी, एग्जामिनर के पास भी. और जो एग्जामिनर है वो प्रॉपर ट्रेंड होना चाहिए, ये इनकी कंडीशन है. और जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर आप टेस्ट करेंगे उसको पूरे अच्छे से टेस्ट के बारे में आपको बताना होगा और अपने जो मटेरियल है वो उसके हाथ में नहीं देना है, ये भी इन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी हुई है. जो रूम है जहाँ पे आप टेस्ट करेंगे उस वहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस नहीं होने चाहिए, नॉइजेज़ नहीं होने चाहिए और जो किसी का इंट्रूजन नहीं होना चाहिए कि कोई भी आ जा रहा है, इस तरह से नहीं होना चाहिए. बहुत ज़्यादा अच्छे से लाइटिंग होनी चाहिए, वेंटिलेटेड होना चाहिए, फर्नीचर ऐसा होना चाहिए जिसमें वो अच्छे से बैठ सके. इवन एग्जामिनर भी, क्योंकि सामने ही बैठना पड़ेगा आपको सब्जेक्ट के, सो आपकी जगह भी प्रॉपर होनी चाहिए बैठने की, कंफर्टेबल फील करना चाहिए जब आप टेस्ट ले रहे हैं. और जो मटेरियल है उसको सब्जेक्ट मैनिपुलेट ना करे वो उसका भी आपको इंश्योर करना है. और सब्जेक्ट का जो भी परफॉर्मेंस है वो भी आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, उसके रेस्पॉन्सेज को अच्छे से देखना पड़ेगा सही से आप रिकॉर्ड कर सकें. और एक सफिशिएंट टाइम आपको शेड्यूल करना पड़ेगा टेस्टिंग का, सो दैट और
अपने सब्जेक्ट के साथ सही से रैपो सेट करना है आपको, सो दैट जब आप टेस्ट करें तो वो जल्दबाजी ना करें या फिर परेशान ना हो जाए आपके बिहेवियर से. सो इसीलिए आपका रैपो होना बहुत ज़रूरी है अपने सब्जेक्ट के साथ. उसको एनकरेज करना है हर बार में जो भी वो कर रहा है गुड करके, एंड देन आप और अच्छा कर रहे हो इस तरह से. लेकिन आपको कुछ इस तरह की चीज़ नहीं बोलनी है कि वो उसको वो कॉन्शियस हो जाए और उसको लगे कि वो गलत कर रहा है. फिर इन्होंने जो टेस्ट जिस तरह से हमें एडमिनिस्टर करना है उसका सीक्वेंस दिया है. आपको पहले पिक्चर कंप्लीशन कराना है, फिर डिजिट सिंबल, फिर ब्लॉक डिज़ाइन. ऐसे ऑर्डर में ही आपको उसके टेस्ट लेना है. आप ये नहीं कर सकते कि पहले मैं ऑब्जेक्ट असेंबली कराऊंगी उसके बाद फिर ब्लॉक डिज़ाइन, ऐसा नहीं. पहला पहली पहले बार आएगा इस तरह से. जो किट है जो आपको जिसको यूज़ करना है, इसकी मैं पिक्चर भी शेयर करूँगी इस वीडियो में कि क्या मटेरियल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके बारे में. सो ये जो किट आएगा आपके पास उसमें ये सारी चीज़ें जो लगी होंगी वो किस तरह से लगी होंगी वो उन्होंने बताया. बुकलेट भी होगी आपके पास हर एक चीज़ की, उसको कैसे फॉलो करना है ये भी होगा. कार्ड्स किस तरह से अरेंज करने हैं ये भी लिखा होगा. क्यूब्स होंगे वो भी आपको मिलेगा. फिर बॉक्सेस होंगे जिसमें जो जो मटेरियल होंगे वो यहाँ पे इन्होंने लिस्ट बना के दी हुई है, सो दैट आप क्रॉस चेक कर सके कि आपको प्रॉपर मटेरियल मिला है कि नहीं मिला है. स्कोरिंग की भी मिलेगी आपको, ये सारी चीज़ें मिलेंगी. जो रिकॉर्ड फॉर्म आपको मिलेगा जिसमें आपको सब्जेक्ट के बारे में डिटेल लिखना होगा, उसके क्या रेस्पॉन्सेज है, उसकी एज क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, ये सारी चीज़ें भी आप उसमें डालेंगे. उसका बिहेवियर क्या था टेस्ट देते टाइम, ये भी आप इसमें डाल सकते हैं. जो एग्जामिनर है वो उसको इंस्ट्रक्शन मैनुअल से सही से पढ़ना ज़रूरी है. और जो डायरेक्शंस दिए हुए हैं वो क्योंकि बहुत अच्छे से दिए हुए हैं डायरेक्शंस, इसलिए आपको बहुत अच्छे से उसको पढ़ना पड़ेगा. और अगर आपको लगता है कि आपको याद नहीं है वो चीज़ें जो आपने पढ़ी हैं, तो आप अपने सामने रीड कर सकते हैं, अपने टेबल के सामने रख के पढ़ सकते हैं उस चीज़ को. सब्जेक्ट को नहीं दिखाना है, आप खुद से अपने लेवल पर कर सकते हैं. स्टॉपवॉच की ज़रूरत पड़ेगी और जब जो भी जैसा भी प्रेजेंटेशन होगा वो भी आपको लिखना पड़ेगा, जैसा मैंने पहले कई बार ही बताया हुआ है. और टाइम पे ज़रूर आपको बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना पड़ेगा. नाउ क्लेरिकल वर्क ऑफ द एग्जामिनर, इन्होंने बताया कि रेस्पॉन्सेज को जो आपको क्लीनली लिखना है, रिकॉर्ड्स के जो पॉइंट है उनको अच्छे से एक्यूरेटली लिखना है, कैलकुलेट करना है. बोनस जो मार्क्स देंगे टेस्ट के टाइम पे उसको भी आपको अच्छे से करना है, नोट डाउन करना है, एडिशन सही से करना है. और जो एक्स्ट्रा चीज़ें आपका सब्जेक्ट करेगा उसके बेसिस पे भी आपको स्कोरिंग करनी होगी. और जो रॉ स्कोर, जो भी आप स्कोरिंग करोगे वो रॉ स्कोर माना जाता है, एंड फिर टेबल से देख के आप एक्चुअल स्कोर निकालते हैं. सो उसको ट्रांसफॉर्म करना आना चाहिए आपको, कैसे करना है. एंड देन आईक्यू निकालना भी आना चाहिए. सब्जेक्ट की एज को आप वेरीफाई ज़रूर करें जिसका भी आप टेस्ट ले रहे हैं. और जो भी डाटा आप ट्रांसफ़र कर रहे हैं उसको जिस तरह से कंप्यूट कर रहे हैं उसको भी बहुत एक्यूरेसी से आपको करना है. अब इन्होंने यहाँ पे बताया कि कैसे आपको रॉ स्कोर को स्केल्ड स्कोर में चेंज करना है, वो इन्होंने बताया. टेबल नंबर 15 मैंने आपको ऊपर दिखाई थी, वहाँ पे किस तरह से हर एक जो अपने पांच टेस्ट लेंगे उसके अलग अलग स्कोर्स को स्कोर यूज़ करना है, एंड कैसे उसको टैली करके आपको स्केल्ड स्कोर में कन्वर्ट करना है रॉ स्कोर को. इन्होंने यहाँ पे ये भी बताया कि अगर मान लो पांच में से आपने एक आध टेस्ट हटा दिया, सो फिर आपकी आपको उसकी परसेंटेज करनी पड़ेगी. जैसे सपोज़ फाइव टेस्ट थे, फाइव में से आपने वन हटा दिया, मतलब फोर टेस्ट ही आपके सब्जेक्ट ने दिए हैं क्यों, बिकॉज ऑफ योर सब्जेक्ट्स डिसेबिलिटी, या फिर वो नहीं कर पा रहा, मतलब उसको अलाउड ही नहीं है करना, या कुछ कोई ऐसा कोई फैक्टर है जिस वजह से वो नहीं कर सकता. सो आप उसको 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट आपका क्या चीज़ को जो स्केल्ड स्कोर आया है उसको आप 5/4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दैट आपको एग्जैक्ट सही वैल्यू पता चले. जब आप आईक्यू पता करते हैं, तो इन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो आईक्यू पता करने के लिए टेबल ABCD जो दी हुई है पेज नंबर 46, 47, 48, 49 में, उसमें एज वाइज आपको दिया हुआ है किस एज के लोगों को कौन से टेबल पे देखना है. ये देखिए 46, 47 यहाँ एज ग्रुप दिया हुआ है, और यहाँ पे दिया हुआ है कि जो स्कोर आया है उससे आईक्यू का पता कैसे चलेगा. तो इस तरह से आप पता लगा सकते हैं. देखिए वन स्कोर से लेके पूरा 91 तक स्कोर दिया हुआ है, ये हर एक एज ग्रुप का, यहाँ 20-24 के बीच का भी है. नाउ इफ़ यू विल लुक एट दिस, ये पिक्चर कंप्लीशन, ये फाइव टेस्ट में से पहला परफॉर्मेंस टेस्ट है जिसमें आप पहला कार्ड दिखा के अपने सब्जेक्ट को समझाएंगे कि आप किस तरह इस पिक्चर जो आप पिक्चर दिखा रहे हो उसमें से कोई पार्ट मिसिंग है.
कौन सा पार्ट मिसिंग है वो आप उनको बताएंगे कि ये वाला पार्ट मिसिंग है, और आप इसी तरह से आपको भी करना है। आपको थर्ड आइटम से शुरू कर देना है और कोई हेल्प नहीं देनी थर्ड आइटम्स ऑनवर्ड्स, क्योंकि इसमें जो हमारे को आइटम्स दिए हुए हैं वो इन्होंने बताया कि हर एक आइटम जो है वो 20 सेकेंड के अंदर हर एक आइटम कम्प्लीट कर देना चाहिए सब्जेक्ट को, और मैक्सिमम स्कोर 26 होगा और 1 पॉइंट होगा हर एक करेक्ट रेस्पॉन्स पे। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। नाउ इफ़ यू विल लुक एट दिस पिक्चर कम्प्लीशन आइटम, तो इन्होंने यहाँ पे इनकी पिक्चर्स होंगी, ये जो लेफ्ट साइड में हॉर्स की होगी, लेडी की होगी, इस तरह से, और क्या क्या मिसिंग है ये भी आप देख सकते हैं, जैसे कि टेल, यहाँ पे लेडी वाले में पार्ट ऑफ द नोज, इस तरह से है ना, ग्लास जार तो उसमें वाटर नहीं है, इस तरह से। सो आपको वो पिक्चर दिखाना है इनकी, एंड इसमें कोई पार्ट मिसिंग होगा, और जो मिसिंग होगा वो यहाँ पे आपको आंसर ऑलरेडी दिया हुआ है जो आप अपने सब्जेक्ट को नहीं बताएंगे, और वन बाय वन आप एक दो में तो आप हेल्प करेंगे, लेकिन दो पिक्चर के बाद अब उसकी कोई हेल्प नहीं करेंगे, उसको खुद करने देंगे। करेक्ट देगा आंसर तो आपको, जैसे इन्होंने बताया है कि 1 पॉइंट देंगे, और इनकरेक्ट में कोई पॉइंट नहीं देंगे, और 20 सेकेंड में एक आंसर दे देना चाहिए, ज़्यादा टाइम ना लगाए आपका सब्जेक्ट। नाउ सेकेंड जो टेस्ट है वो है डिजिट सिंबल टेस्ट। इसकी पिक्चर आप शो देख पाएंगे स्क्रीन पे, उसमें डिजिट के कुछ डिजिट को रिप्लेस कर दिया है कुछ सिंबल से, और नीचे पूरा बॉक्सेस बहुत सारे दिए हुए हैं जिसमें आप उस सब्जेक्ट को सिंबल देख के उसमें कॉपी करना है। इसमें भी सेम रूल है, दो बार आप बताएंगे, दो बार हेल्प करेंगे, दो बार से ज़्यादा हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखें तो यहाँ इन्होंने टाइम लिमिट भी दी हुई है कि 90 सेकेंड्स है टाइम लिमिट, स्टार्ट टाइमिंग, एंड टाइम बहुत प्रिसाइज होना चाहिए। 1 पॉइंट देना है हर एक स्क्वायर जो उसने फिल किया है करेक्टली, एंड हाफ क्रेडिट फॉर एनी रिवर्स्ड सिंबल्स, अगर उल्टा सिंबल बनाया है उसने तो उसका हाफ क्रेडिट मिलेगा। 10 सैम्पल आइटम्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोर। आपने इसमें, जैसे मैंने बताया था कि सारे के सारे दो बताए जाते हैं, इसमें आप 10 तक भी हेल्प कर सकते हैं, पहले दो आइटम्स जो हैं उनमें आप ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं, और नेक्स्ट 3 से लेकर 10 तक आपको कम हेल्प करनी है, ज़्यादा नहीं करनी है। तो उसको रीड करने के लिए आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस पढ़ सकते हैं, इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है किस तरह से करना है। मैक्सिमम जो स्कोर है वो 90 तक जाएगा, इसकी शीट जैसे मैंने दिखा चुकी हूँ आपको। थर्ड जो डिज़ाइन है वो है ब्लॉक डिज़ाइन। ब्लॉक डिज़ाइन में आपको स्टार्ट करना है डिज़ाइन 1 से, और इसमें इसमें जो ब्लॉक्स होंगे ना वो कुछ रेड होंगे, कुछ वाइट होंगे, कुछ हाफ रेड, कुछ हाफ वाइट होंगे। ये सब आपको आपके सब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करना है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ। एंड उसके बाद जब आपने उसको ब्लॉक डिज़ाइन बता दी, तो एक कार्ड में एक डिज़ाइन बनी होगी, आपको उसको बना के भी दिखाना है अपना सब्जेक्ट को। दो डिज़ाइन के साथ आपको यही करना है कि उसको बना के दिखाना है कि देखो, पहली डिज़ाइन आपको बना के समझाना है। अगर वो समझ गया और उसने वैसे ही, आप 4 जो ब्लॉक उसको अलग से देंगे उनको कंबाइन करके वो आपके जैसी डिज़ाइन बना के दिखाएगा जैसे आपने बनाई है। अगर वैसी बना दी तो ठीक है, अगर नहीं बनाई तो आप दोबारा उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर दूसरी डिज़ाइन पकड़ा देंगे। अगर दूसरी डिज़ाइन में भी कंफ्यूज होता है तो आप दोबारा उसको बना के दिखाएंगे। सो इस तरह से इन्होंने यहाँ पे पूरा समझाया है कि आप किस तरह से प्रोसीड करेंगे टेस्ट को। डिज़ाइन 2 में आप क्या करेंगे, ये सारी चीज़ें। तो दोनों में स्टेप्स अलग अलग हैं, थोड़ा डिटेल में आपको सीखना पड़ेगा किस तरह से इन्होंने बताया है कि जब आप अपनी डिज़ाइन बना देते हैं फर्स्ट डिज़ाइन को, तो उसको आपको सामने से उसके हटा देना है, और सेकंड डिज़ाइन के लिए आपको उसको कार्ड में बनी हुई डिज़ाइन दिखानी है, एंड फिर वो उसको देख के खुद से बनाएगा। और ब्लॉक्स को जब आप दे रहे हैं तो उनको मिक्सअप कर देना है, सो दैट वो डिज़ाइन कार्ड में देख के बनाए, आपकी कॉपी ना करे। फिर डिज़ाइन 3 से लेकर 10 तक इन्होंने बताया है कि वो आपको कार्ड सामने रख देना है सब्जेक्ट के, और उसको बोले 4 ब्लॉक्स पकड़ के बोलना है, जो रेड वाइट और हाफ रेड हाफ वाइट थे उन 4 ब्लॉक्स को आपको रखना है, वो सामने देख के उसको बोलना है कि खुद से बनाए। तो इस तरह से आपको उसको देना है। अब इन्होंने यहाँ पे बताया फर्स्ट 2 डिज़ाइन को कंप्लीट करने का 60 सेकेंड टाइम है हर एक ट्रायल के लिए, सेपरेटली 60 सेकेंड, मतलब फर्स्ट डिज़ाइन के लिए 60 सेकेंड देंगे, सेकंड डिज़ाइन के लिए भी 60 सेकेंड देंगे। थर्ड से लेके 6th डिज़ाइन तक आपको 60 सेकेंड्स देने हैं, एंड डिज़ाइन 7 से लेके 19 तक 120 सेकेंड्स देने हैं ईच। सो अब जब टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं, सब्जेक्ट ने कितना लिया है कंप्लीट करने में डिज़ाइन, करेक्टली डिज़ाइन कंप्लीट करने में, वो अगर टाइम लिमिट के अंदर दिया है तो वो आपको देखना है। और अगर टाइम लिमिट जो है उससे भी कम टाइम में उसने कर दिया 7 से लेकर 10 डिज़ाइन तक का, तो फिर आपको उसको एक्स्ट्रा ग्रेड भी देने हैं। सो इन्होंने बताया है आफ्टर 3 कंसेक्यूटिव फेलियर्स, अगर उसने 3 बारी वो गलत कर दिए तो फिर आपको टेस्ट बंद करवाना पड़ेगा। फेलियर ऑन बोथ
ट्रायल्स ऑफ ईच डिज़ाइन 1 एंड 2, क्योंकि हम 2 बार ट्रायल करवाते हैं, इज कंसिडर्ड 1 फेलियर. तो अगर 2 ट्रायल उसने लिए डिज़ाइन 1 या डिज़ाइन 2 में, 2 कंसेक्यूटिव ट्रायल ले लिया उसने, तो उसको आप 1 ही फेलियर काउंट करोगे, उसको आप 3 नहीं काउंट करोगे. ये ध्यान रखना है. इसमें कुछ पॉइंटर्स इन्होंने दिए हैं. स्कोरिंग में भी इन्होंने बताया है कि डिज़ाइन 1 और 2 है, फर्स्ट ट्रायल अगर किया है तो 4 पॉइंट्स फर्स्ट ट्रायल में उसने कर दिया, सेकेंड ट्रायल किया है तो 2 पॉइंट्स देंगे. डिज़ाइन 3 to 6 में 4 पॉइंट्स हर एक डिज़ाइन के लिए मिलेगा. डिज़ाइन 7 to 10 के लिए 4 पॉइंट्स लिखेंगे, सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ईच डिज़ाइन. यहाँ पे इन्होंने, अगर आप देखें तो मैनुअल में यहाँ पे इन्होंने टेबल दी है कि कितना कितना टाइम लगेगा, पॉइंट विद टाइम बोनस. सो अगर उसने 41 से लेके 122nd के बीच में कंप्लीट किया है तो आप 4 पॉइंट देंगे. अगर 31 से लेके 42nd के बीच में कंप्लीट कर दिया तो 5 पॉइंट देंगे. अगर 1 से लेके 32nd के अंदर कर दिया तो आप 6 पॉइंट देंगे. ये बोनस पॉइंट्स के बारे में बताया. ऐसे ही 8th डिज़ाइन के बारे में बताया कि 71 सेकेंड से लेके 122nd के बीच में करेगा तो 4 पॉइंट देंगे. सो इस तरह से आपको ये ध्यान रखना है किस तरह से आपको ग्रेड करना है. नाउ पिक्चर अरेंजमेंट की बात करेंगे. अब जैसे पिक्चर अरेंजमेंट में क्या है कि 2-3 पिक्चर्स होंगी, उनमें सेम ही कैरेक्टर होंगे लेकिन उनके डिफरेंट डिफरेंट एक्शंस बताए होंगे. जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने एक बर्ड वाला बताया कि कोई स्टोरी, मतलब उसको बोलना है आपको कि ये पिक्चर जो है इनमें सब में एक जैसा सब दिख रहा है, उसकी एक आपको स्टोरी क्रिएट करनी है. तो वो जो जितनी पिक्चर्स हैं उनको वो एक सीक्वेंस में अरेंज करके आपको बताएगा कि वो क्या स्टोरी बन रही है. ये देखिए यहाँ पे इन्होंने बताया भी है कि जब आपको सब्जेक्ट को जब फिगर्स देंगे, अलग अलग कार्ड्स देंगे जिससे स्टोरी बन रही है, सो वो फर्स्ट ट्रायल अगर वो टाइम लिमिट 60 सेकेंड में हो जाना चाहिए. सेकेंड ट्रायल के लिए भी 60 सेकेंड दिया हुआ है. इसका जो अरेंजमेंट है वो WXY होना चाहिए. अगर उसने इस सीक्वेंस में किया है तो ठीक है, अगर नहीं तो फिर आप पॉइंट नहीं देंगे. तो यहाँ पर पॉइंट्स विद टाइम बोनसेस इंक्लूडेड. सो अगर 1 से 60 सेकेंड के बीच में कर लिया तो 4 पॉइंट देंगे. ये सेकेंड ट्रायल में अगर 1 से लेके 60 सेकेंड के अंदर कर लिया तो 2 पॉइंट ही आप देंगे. तो फर्स्ट ट्रायल में किया तो 4 पॉइंट, सेकेंड ट्रायल में कंप्लीट किया तो 2 पॉइंट्स. तो इस तरह से इन्होंने यहाँ समझाया है. ऐसे ही हाउस के बारे में स्टोरी बनानी है तो 3 कार्ड होंगे, उनमें डिफरेंट डिफरेंट फोटो होगी हाउस के रिलेटेड. सो वो MNO के सीक्वेंस में अरेंज होनी चाहिए. सो अगर फर्स्ट ट्रायल में करता है तो 4 पॉइंट देंगे, सेकेंड ट्रायल में करता है तो 2 पॉइंट ही देंगे. और 60 सेकेंड के अंदर ही होनी चाहिए. 60 सेकेंड से ज़्यादा अगर किसी भी ट्रायल में देर कर रहा है तो कोई सेंस नहीं बनता. फिर ये बर्गलर, ऐसे 9 स्टोरीज हैं जिसके ऊपर वो काम करेगा. और यहाँ पे हमें सीक्वेंस दिया हुआ है कि क्या पॉसिबल सीक्वेंस है जिसमें अरेंज किया जा सकता है. तो एक से ज़्यादा स्टोरी बन सकती है, तो इसीलिए इन्होंने 2 ऑप्शन भी दिए हुए हैं. सो ये आपको ध्यान रखना है. ये जो स्टोरी का हम देख रहे थे तो आपको कब डिसकंटिन्यू करना है, ये सब दिया हुआ है. इफ़ द सब्जेक्ट फेल्स बोथ टाइम 1 एंड 2, डिसकंटिन्यू द टेस्ट, अदरवाइज एडमिनिस्टर ऑल द आइटम्स. सो आपका जैसे ही दोनों ही बार वो गलत कर देता है तो फिर आपको ये टेस्ट उसका लेना ही नहीं है, उसको 0 पॉइंट देंगे हम इसमें. सो आपको ये ध्यान रखना है. नेक्स्ट टेस्ट है ऑब्जेक्ट असेंबली. यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एसेट को पीसेस देंगे और उसको बोलेंगे कि पूरी फिगर बनाओ. तो वो अगर एग्जैक्ट फिगर बनाता है और कितना टाइम में बनाता है, यहाँ पे दिया हुआ है कि 21 से 120 सेकेंड में बनाएगा तो 5, 16 से 20 सेकेंड में बनाएगा तो 6, 11 से 15 सेकंड में बनाएगा तो 7, एंड 1 से 10 सेकंड में बनाएगा तो 8. इस तरह से आपको स्कोर देते जाना है. सो इस तरह से ये ऑब्जेक्ट असेंबली का भी आप कंप्लीट कर लेंगे. और यहाँ पे इन्होंने पूरा दिया है तो सब्जेक्ट को आपको बताना है कि इस तरह से करना है, एंड उसके बाद वो खुद ही से करेगा सारे टेस्ट, वो खुद से करके देगा आपको. फिर इन्होंने यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि इन सब के जब आप स्कोर रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ गाइडलाइंस भी है, इसीलिए आई एम सजेस्टिंग कि आप मैनुअल लेके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा. यहाँ पे मैं सिर्फ इतना बता रही हूँ कि उन टेस्ट्स में होगा क्या, एंड मैंने इस वीडियो में कुछ कुछ सैम्पल्स के पिक्चर भी डाले हुए हैं बीच बीच में. सो आप उसको भी देख के समझ जाएंगे कि किस तरह से वो अपीयर होता है इन केस आप पहली बार उस चीज़ को अटेम्प्ट करने जा रहे हैं. बट ये जो रूल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप अगर ढंग से फॉलो नहीं करेंगे तो आपका टेस्ट सही नहीं आएगा. सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये समझ आया होगा कि किस तरह से इंडियन पॉपुलेशन पे हम करते हैं और किस तरह से हम IQ निकाल सकते हैं इस परफॉर्मेंस टेस्ट से, और ये किस तरह से ये टेस्ट दिखाई देता है और मैनुअल कितनी बेनिफिशियल है हमारे लिए. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग. टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ. बाय बाय.